फिले वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो थोड़ा समय हो गया, बट नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक। आज के वीडियो का टाइटल है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू अंडर 90 सेकंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। यार याद रखना, जो लोग हैं ना, आपको पहले 7 सेकंड्स के अंदर ही जज कर लेते हैं, तो आपके जो फर्स्ट सेकंड्स है ना, वो बहुत ही क्रूशियल है आपके इंप्रेशन के लिए। अब जैसे ही किसी डोर से भी वॉकिंग करता है, आपके तरीके से, चलने के तरीके से, बॉडी स्ट्रक्चर, आपके फेस पे स्माइल है नहीं, आपके हाथ कहाँ पे, उन सब से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। नंबर वन, यू आर कंटेजियस। आप जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, अगर आपका मूड अच्छा है तो दूसरे लोग भी आपके अराउंड हैप्पी फील करेंगे। अगर आपका मूड सैड है तो दूसरे लोगों को भी आपकी सैडनेस सेंस हो जाएगी और वो भी थोड़ा ऐसे सैड हो जाएंगे। कभी देखना, ऑब्जर्व करना, जब आपके साथ कोई बहुत एक्साइटेड पर्सन आता है कि हाय ऐसे, लाइक तो आप भी ऐसे एक्साइटेड हो जाते हो उसको मिलके। ठीक है, नंबर टू, बॉडी लैंग्वेज। या हमारे ओके, हम लोग इतना क्यों बोलते हैं कि अपने हैंड शो करो, उसे इंटेंशन दिखता है। इट्स बिकॉज जब केव मैन के ज़माने में जब दो स्ट्रेंजर्स एक दूसरे को मिलते थे, वो लोग सबसे पहले जो न्यू पर्सन उसका फेस नहीं देखते थे, ना ही उसने जो पहना है वो देखते थे, वो लोग देखते थे कि उसके हैंड्स में क्या है, बिकॉज उसके हैंड में कोई रॉक या स्पीयर तो नहीं है दूसरे को हर्ट करने के लिए। इसलिए अभी भी उस केव मैन के रिमेन हमारे दिमाग में, ब्रेन में इंस्टिल्ड है और हम लोग हैंड्स की तरफ देखते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसे बिना हैंड्स के आ रहा है, मतलब हैंड्स अपने शो नहीं कर रहा, तो हम थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार कुछ ठीक नहीं है, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने हैंड्स शो करते हैं, लाइक बिकॉज उनसे उनका इंटेंशन, उनकी नियत दिखती है। बिकॉज द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स हम डिसाइड करते कि क्या जो न्यू पर्सन है हम उसे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो आपके हैंड से आपका इंटेंशन पता लगता है। तीसरी चीज, आप जिस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं अपने कॉन्वर्जेशन में, इट मैटर्स अ लॉट। अब ना हमारे पास वही थोड़े किस्से पे कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स है, हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ हैव यू बीन, लाइक वही चीज है। तो होता गया ना कि लोगों ने वो चीजें इतना सुन ली है, उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता उन सेंटेंसेस को सुन गया, लाइक ठीक है, मतलब इतना कुछ रिएक्शन नहीं आता। हमें क्या करना है, अपने वर्ड्स से डोपामीन करके एक केमिकल एलिमेंट होता है, ठीक है, एक केमिकल फीचर होता है ऐसा मान लो कि, जिससे जब इंसान ना खुशी फील करता है, उसे प्लेजर फील होता है। तो हमने अपने वर्ड्स से ही लोगों को वो चीज फील करानी है। हम लोग इंस्टाग्राम पे इतना टाइम क्यों स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि वो हमें डोपामीन मिलता है। हम लोग जितना ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, हमें अपना डोपामीन मिलता है, ठीक है। तो आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो ना, अगर आप पूछो ओके हैव यू बीन बिजी लेटली, तो जो पर्सन है उसके दिमाग में जो वर्ड हाईलाइट होता है वो होता है बिजी। बिजी से वर्ड हाईलाइट होता है कि स्ट्रेसफुल, काम, ये सब। आप इसको रिप्लेस कर दो, ये मत पूछो। आप पूछो What have been something exciting for you this week? तो वो अब जो highlighted word है वो है excitement, excite। तो उसके दिमाग में अब सारी exciting चीज़ आएंगी कि मैंने क्या exciting है, क्या exciting है। तो आपके जो main words हैं, जो highlighting words हैं, आपको उन पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। What is something peaceful you did this week? What is something that was so exciting you did this week? ऐसा मान सकते हो या something good or positive। आपको अच्छे अच्छे ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं, क्योंकि वैसे वर्ड्स से रिलेटेड थॉट्स पर्सन के माइंड में चलेंगे, ठीक है। तो आप, हमने स्टार्ट कर लिया आपका पहले जो इम्प्रेशन है, आपका पर्सनालिटी, आपका ऑरा कंटेजियस, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज। हम लोग क्यों इतना एम्फसाइज करते हैं, बिकॉज आपके जो हैंड्स हैं उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। देन हमने देख लिया कि जो सामने वाले को हम एट ईज कैसे रख सकते हैं, इट इज़ बाय आस्किंग जो डोपामाइन सेंटर्ड पॉइंट्स है, और जो आप वर्ड्स या कुछ भी यूज कर रहे हो, जो हाईलाइटिंग वर्ड है वो पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है, ताकि जो पर्सन है उसके थॉट्स उस अच्छी चीज के अराउंड ही मूव। अब इससे क्या होता है ना, आप बहुत मेमोरेबल भी बनते हो, क्योंकि उस इंसान को याद होता है कि आपने उसको कैसा फील कराया। अगर कोई टीचर मुझसे आके पूछे, अच्छा बेटा फ्यूचर का क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या प्लानिंग चल रही है, मैं बिल्कुल स्ट्रेस हो जाऊंगी। आई वुड बी लाइक,
इमोशनल सो स्ट्रेसफुल आई डोंट नो ये वो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगी. और फिर उस मुलाकात के बाद उस टीचर के मैं उन टीचर से कभी मिलना नहीं चाहूंगी क्योंकि मेरे को लगता है कि उनको देख के ना यार मेरे को टेंशन हो जाती है. ठीक है लेकिन अगर कोई पर्सन उनसे बिल्कुल ऐसे पॉजिटिव एक्साइटिंग चीजें पूछे मैं कहा हाँ यार ये भी हुआ था ये भी मजेदार चीज हुई थी तो मेरे को जो अच्छी अच्छी चीजें याद आती हैं मेरे को याद रहता है कि मेरे को क्या फील हुआ उस पर्सन से मिलकर. तो इसलिए जो वो पर्सन है आपको लाइक करेगा बिकॉज यू मेड देम फील कंफर्टेबल एंड एट ईज. सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Push the like button below and subscribe if you're new to my channel. Abhi ke liye itna hai. Tata, bye bye.